क्यों वो बंदरों ने क्या करा? ये ले मैंने जैसे वाला पेट तोड़ दिया। अभी उठाया मैंने। टेढ़ा था? टेढ़ा कर दिया था पूरा? गिरा के गए थे। सर अभी उठाया थे, सर एक पत्ते के से गिरा थे। हाँ टेढ़ा हो गया। खाते रहे ना। आज राम जी की टोली आई हुई थी हमारे घर, फिर से हमारे गिरा के चले गए गमले। आपने खाने पीने का सामान रखा हुआ है क्या बाहर? हाँ सिर्फ कुत्तों का ये पड़ा रहता है, पेडिग्री वाली है ना, कभी ऊपर से हम जैसे कभी आते हैं डाल देते हैं, या कबूतरों के लिए उधर रखते हैं। कबूतरों के लिए इधर रख देते हैं, कौए कबूतर। देखो भाई यहाँ बंदर फिर से आ गया। अरे देखो चढ़ता हुआ आ गया। यार हमारा न्यूट्रेला हो गया रेडी, रोटियाँ हो गई तैयार। मम्मा आप ना बूंदी के राजा, ना बूंदी बहुत डाल देते हो, बूंदी कम डाला करो। अब मैंने भी सोचा बूंदी को अच्छी, बूंदे बहुत ज़्यादा डाल देते हो। ठीक है क्या क्या जा रहा हूँ। चलो भाई हमारे सत्तू शेक पी लेते हैं। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई इट्स 23rd September एंड सत्तू शेक हमने पी लिया। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, कल हमारे जो टेनेंट जो हमारे ऊपर रहते थे ना रेंट पे, जब गॉन तुमने देखा होगा ब्लॉग में, तो उनकी गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी होती थी। तो अब हमारी गाड़ी वहाँ वाली वहाँ खड़ी होंगी, और जो अंदर खड़ी होती थी वी हैव शिफ्टेड इट देयर। तो अब अंदर से बाहर निकालने का झंझट वंझट सब खत्म हो गया। तो अब जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं जल्दी से उड़ता हुआ आ जाऊँगा तुम्हारे पास। ठीक है, उसके अलावा अभी अंदर चलते हैं। न्यूट्रेला मम्मी ने बनाई दिया है, सामान वामान हमने रख ही लिया है, और देख लेते हैं अभी घर पे क्या चल रहा है। पापा कर रहे हैं पूजा, मम्मी अरे ब्लॉग में मेरे मुंह के अंदर डाल देते हैं। ऑफिस में रख दो ऑफिस में। सुनो मेरा मन था कि मैं फरेरो रोशर खाऊं जो कल लेकर आया हूं, आपने ये डाल दिया। सच बता रहा हूं मैं ब्लॉग बनाते बनाते सोचते आ रहा था अंदर, मम्मी को बोलूँगा चॉकलेट दे दो। नहीं नहीं आके ना मज़ा नहीं आया। लंच बॉक्स हो गया रेडी, बैग उठा लेते हम अपना, चलो चलते हैं। ये धन्यवाद। एक और आपको बोला था दो दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो अभी देखो गाइस कितनी बची है, अभी मैं घर आके चेक करूँगा। ठीक है, अबे हंस क्यों रहे हो? अरे क्या हो गया? आपको पता है ना आप खत्म, आपको पता है ना आप सारी खा लोगे, दो खाओगे। देख रहे चलो बाय बाय। चलो गाइस चलते हैं। क्या हटो सामने से, मम्मी ने कब छुपा दिए। चलो बाय बाय। चलो माँ जी से मिलवाता हूँ सबको, बाय बाय। अच्छा माँ जी माला जप रही थी। अरे अरे क्या बात है, बाय। घड़ी रह गई गाइस। रुको 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 रुको, अरे नहीं नहीं यहीं दे दो, अरे नहीं टूटेगी। बैग रख दिया ना इधर लो, अरे दो ना, अरे नहीं टूट रही है, जल्दी दो हर दिन फेंक दो उसे। हाँ कुछ होगा, देखो हाथ में आ गई। क्या यार सोचते नहीं हो। चलो बाय बाय। वाह क्या टाइमिंग है भाई। ये पहला थक गया, लाइट जलाना। अरे फिर से फोन बज रहा है बैग का, ऑफिस का मतलब। चलो गाइस गेस करो, गेस करो किसका फोन हो रहा है। बॉस का, चेक करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। रुको गाइस तुम्हारे सामने निकालूंगा, देखते हैं किसका फोन है। अरे गैस हो गया, फिर से बज रहा है। फोन इसके अंदर ही, बट बज कर रहा है। क्लाइंट का फोन है भाई। थक चुका हूँ सीमा जी, थक चुका हूँ। 12 ही बज रहे हैं बस, एक नहीं बज रहा। गाइस कुछ करो यार, आई नीड मोर स्टैमिना यू नो इन माय लाइफ। न्यू पानी पी लिया तो सीमा जी, न्यू पानी बनाइए, न्यू पानी बनाइए। ओ माय गॉड स्टैमिना। चलो यार बैठते हैं यार, काम धाम करते कुछ। ऑफिस का काम खत्म होता है तुम्हारे भाई का पर्सनल यूट्यूब वाला काम शुरू हो जाता है, यूट्यूब का काम खत्म होता है तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम शुरू हो जाता है। टुडे बीइंग मंडे, आज तुम्हारे भाई खेलने नहीं गए थे, सुबह का प्लान थोड़ा ऐसा था, मंडे को ऑफ रहता है हमारा कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहे हो आप? लेकिन ये मेकअप चीजें कम कर
कम चीजें कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती है जरूर। गाइस मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती। नहीं नहीं करना पड़ेगा। सीमा जी समझा करो यार, आपका लड़का ना चाहता है कुछ करना तो उसमें ना आप मुझे धक्का दीजिए बस। गाइस देखो कल मैं ट्रिमर लेकर आया ना यार, श्राद्ध के बाद ना पूरी दाढ़ी साफ कर देंगे। बट इस बारे में सोच रहा रख लूँ दाढ़ी, अब ना अच्छा लग रहा हूँ, बाल बढ़िया लग रहे हैं बिल्कुल जंगली टार्जन की तरह। नहीं दाढ़ी ना इस बार स्टाइल में कटवा लूंगा, जैसे लोग रखते हैं ना आपने देखा होगा हैंडसम लड़के जो होते हैं, ऐसा हैंडसम बन जाऊंगा। चलो ठीक है कपड़े बदलते हैं, फिर न्यू बनी बेंगे, पूजा करेंगे, खाना पीना खाएंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे, माजी से मिलेंगे, काफी काम है, चलो चलते हैं। बेल बजी कौन है इतनी रात को? अरे आओ बेला, आयो आज आओ बेला, क्या कर रहे हो? आ जाओ कुछ खाया? तेरे पास ही आ गई। अरे माँ जी आ जाओ चलो वहाँ चलते हैं, उधर बैठ जाओ, मम्मी उधर बैठे हैं, पूजा करके आता हूँ, मम्मी उधर ही बैठे हैं, पूजा करके आ रहा हूँ। तो भाई हमारा खाना हो गया तैयार, तो यहाँ पर मम्मी ने जल्दी से अभी पनीर बना दिया था मेरे लिए थोड़ा बहुत, और ये दही है थोड़ा सा, हमें रख दोगे उधर? थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, थोड़ा सा डाल दो ठीक है। काली मिर्च है? काला नमक ये भी चाहिए, मिक्स कर लेता हूँ। चलो गाइस खा लेते हैं, भुर्जी है थोड़ी सी हमारी, दही है और रोटी है। रबड़ी खा ली आपने? मैंने भी खा ली गाइस, रबड़ी खा ली आज मीठा। क्या कर रहे हो? दही जमा रहे हो कल के लिए? बूंदिया रहा था, काम करेगा नाशपति का रखिए बाहर। चलो भाई नाशपति लेकर आते हैं बाहर से। तो भाई बाल्टी में दोबारा रखे थे ना जब खरीद के लाए थे, इसको ले लेते हैं, अब रख लिया, पानी बस टपक जाए, छेद वाली इसलिए है, देखो इससे पानी टपक रहा है ना, बस ये निकल जाए। चलो चलते हैं अंदर, फ्रेश नाशपाती फॉर यू गाइस। सीमा जी ये लीजिए आपकी फ्रेश नाशपाती। ये मम्मी वही ब्लॉग के आइडियाज दे रही है, क्या पता हॉबी किसी दिन प्रोफेशन बन जाए, क्यों ना बनाऊं प्रोफेशनल, क्यों नहीं प्रोफेशनल, जेब खर्च मांगते रहूंगा। अच्छा यार थोड़ा मम्मी को समझाओ, ठीक है जॉब करनी भी जरूरी है बट ज्ञान मुझे सर आपसे मिला है, मैं तो ज्ञान नहीं देती, बट मैं सच नहीं बोल रहा, एक हॉबी पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, सब हो जाता है, नहीं हो रहा मैनेज भाई, देखो नहीं हो रहा मेरे मैनेज, हाँ ठीक है बीच के जो 12 घंटे हैं वो मैं नहीं दिखा पा रहा, 10 घंटे 8 घंटे जितने भी है जहाँ पर मेजोरिटी में कंटेंट निकाल सकता हूँ, बट यार ठीक है कुछ डिफरेंट करते हैं, यही ट्राई करके देख लेते हैं क्या हो गया। भाई ट्राई करने की अपनी ना जो फीलिंग होती है और कभी जो जज्बा होता है छोड़ना मत और कभी निकलने मत देना अंदर से। भाई यार अम्मा क्या हो गया, अच्छी बात है आज वो इतना वो क्यों कर रहा हूँ, इतनी मोटिवेशनल बात है। मैं देखो ये सब अंदर से निकल के आ रही है, बट देखो मैं सच बता रहा हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट करना लाइफ में, एक रोड को मत पकड़ के रखना, लोग बोलते हैं ना सिर्फ जॉब ही हो सकती है उसके साथ साथ कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई, करो गिरोगे खड़ोगे फिर से गिरोगे फिर से खड़ोगे यार। मुझे लगता है एक चीज़ में फोकस करना चाहिए, जॉब में कर रहा हूँ मैं 110% दे रहा हूँ मैं जॉब में, आपको पता है इतना एफर्ट डालता वो भी आप देखते रहते हो, अभी घर आया मेरा क्लाइंट मेरे घर आया जब मैंने बोला था ना मेरा देखो फ़ोन बज रहा है, तो ठीक है इट वॉज अराउंड 7:30 बज रहे थे उस टाइम, 7:30-7:45 बज रहे थे, देखो घर आया जबकि मेरा ऑफिशियल टाइम 5:15 तक ही है, बट उसके बाद भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ अपनी क्लाइंट मीटिंग्स छोड़ रहा हूँ, नहीं आप सर से पूछ लेना मैं बहुत काम करता हूँ, मैं पूरा एफर्ट डालता हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये नहीं बोलूँगा कि ऑफिस के चक्कर में और चीज़ें मत छोड़ो, ऑफिस इज सेकेंडरी, अपना लाइफ अपनी हेल्थ ये सब ज़रूरी है, स्पोर्ट्स ज़रूरी, म्यूजिक ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर ज़रूरी है। आप कुछ बोल रहे हो ऐसे बैठे रहोगे यार?
बातें सुन रहे। गलत बोल रहा हूँ बताओ। बहुत अच्छी बातें है ना, सच बताओ। चलो 200 रुपए दो। 200 रुपए दो, इतनी अच्छी बातें करने के लिए। पार्टी दे दी ना। हाँ यार पार्टी तो दे दी, पार्टी की पेमेंट तो दे दो वापस। नहीं नहीं मेरी तरफ से तो बस यही है यार कि तुम एक चीज पकड़ के रखो, ये मत सोचो। अब तुम मेरे से पूछते हो मैं बैंकिंग में कैसे आया, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। बैंकिंग में मुझे कभी नहीं आना था, इट वॉज माई कैंपस प्लेसमेंट जो मेरी MBA में हुई है। मेजॉरिटी के 99.99% लोग बैंकिंग में जो है आज, अगर कभी भी आप उनसे पूछोगे ना कि आप बैंकिंग में कभी आना चाहते थे, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ मैं आना चाहता था, कोई नहीं। 99.99% बस आ गए, लैंड हो गए। फिर बैंकिंग में क्या रहा, 1-2 साल करा, 3-4 साल करा, 5 साल करा, फिर आप जब शिफ्ट करोगे किसी और डोमेन में तो वहाँ पर आप फ्रेशर कंसिडर होगे, तो वहाँ पर आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी आपको अगर किसी और बैंक में जाके मिलेगी 6 साल में। तो यही होता है फिर, बैंकिंग में पैसा ज़्यादा है, लोग आ जाते हैं इसमें, प्रेशर तो होता है, देखो बाल सफ़ेद हो गए, बट फिर भी प्रेशर तो बहुत है, बट पैसा भी अच्छा खासा है बैंकिंग में इफ़ यू रिटेन योर सेल्फ हेयर। तो यही है, इसलिए मैं आ गया बैंकिंग में। मेरे कैंपस प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट जो उस टाइम मिल नहीं रही थी, मम्मी पापा ने बोला अब तेरी एक जॉब लग गई तो उसको पकड़ के रख। फिर हमारे कॉलेज में क्या होता है, एक बार आपने जॉब एक ले ली तो आप दूसरी प्लेसमेंट में बैठ नहीं सकते, बिकॉज कॉलेज वॉन्ट्स टू शो 100% प्लेसमेंट। अब एक ही बच्चा अगर 10 प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो जाएगा तो और बच्चों का क्या होगा, तो इसलिए एक बार अगर आपकी एक जगह हो गए देन यू वॉन्ट बी एबल टू गो टू अ नेक्स्ट राउंड, या फिर किसी नेक्स्ट कंपनी में आप नहीं बैठ सकते। तो इसलिए मैं बैंकिंग में आ गया, वरना मैं भी कभी नहीं चाहता था बैंकिंग में, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं बैंकिंग में आऊँगा। यही होता है, मेजॉरिटी जितना जोनल हेड है हमारे, AGM है, DGM है, सारे बोलते हैं कि वी नेवर वांटेड टू कम इनटू बैंकिंग, बट आ गए, वी जस्ट लैंडेड अप है और अब हम यहीं पर काम कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे प्रमोशन होते हैं, ऐसा ऐसा पैसा मिलता है, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, लोग छोड़ नहीं पाते बैंकिंग, क्योंकि वो होता है ना क्या कहते हैं उसे, लालच पैसे का, बस वही रहता है। तो मैं जब नया नया आया था बैंकिंग, मैंने बोला था यार 2 महीने में छोड़ दूंगा, 3 महीने में छोड़ दूंगा, 6 महीने में छोड़ दूंगा, रियलिटी बता रहा तुम्हें। बट फिर ठीक है, अच्छी सैलरी आई, सैलरीज आने लग गई, खर्चे निकलने लग गए, घूमना फिरना शुरू हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, हर साल के बाद बोनस आ रहे हैं, हैवी बोनसेस आ रहे हैं, उसके बाद फैमिली भी सेटिस्फाइड है। फिर CV कौन बनाएगा, कौन अप्लाई करेगा जॉब्स में, टचवुड बॉस अच्छे मिल गए और सपोर्टिव बॉसेस मिल गए, तो फिर ऐसा ऐसे साइकिल घूमने लग जाती है। फिर आप बोलते हैं क्या चेंज करना है, ठीक तो है, खर्चे चल तो रहे हैं। फिर अब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, आपकी EMI शुरू हो जाएगी, EMI शुरू हो जाएगी, फिर आपके खर्चे बंध जाएंगे कि अगर जॉब छोड़ दी तो EMI कैसे निकलेगी, तो आपकी EMI निकालना है, घर का खर्चा है, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चों का खर्चा है, उनकी पढ़ाई है, ये तो ये रोटेशन चलता रहता है लाइफ में, और फिर आप बंध जाते हो एक जॉब में। मैंने अभी नोटिस करा, 8 मिनट में बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग को इधर ही कंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कर भी ना मत जाना, टर्न ऑन दोज पोस्ट नोटिफिकेशन, यू विल गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट अ वीडियो, एंड यस वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।